और सभी को जय मसीह। मेरे आज तो बहुत अर्जेंट आपके सामने आया हूँ और ये परमेश्वर मुझे बताया है साफ तौर पे, और परमेश्वर जो वचन दिया उस वचन के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। और प्रभु ने आज और कल यानी कि 28 और 1 तारीख को हम प्रभु ने हमसे फास्टिंग के लिए बोला है, हम फास्टिंग में है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस युद्ध के लिए। और मेरे अजीज परमेश्वर ने कहा है कि वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी, महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रभु ने हमें मौका दिया है, उससे पहले परमेश्वर ने हमसे फास्टिंग रही ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे और इसको युद्ध को रोक सके। प्रभु ने इस युद्ध के लिए हाँ बोल दिया है मेरे जी, तो बिल्कुल विश्व युद्ध के लिए परमेश्वर ने मुझे संकेत दे दिए है कि वो होगा। इसलिए 28 और 1 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्रार्थना में फास्टिंग में परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु अपनी इच्छा बदले तो युद्ध रुक सकता है मेरे जी। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे दास जो तू बोल रहा है पिता, मैं स्वयं वही बोल रहा हूँ पिता, ताकि तूने जो वचन दिया है हर एक के कान में जा सके और सबके जीवन में पिता परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो सके पिता। लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम उपास करके प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पर तू अपनी दया प्रकट करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी तो 28 और 1 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, यकीन मानना। तभी प्रभु ने हमसे 2 दिन पहले क्यों उपास के लिए बोला था 28 और 1 तारीख के लिए, ताकि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे और वो विश्व युद्ध को टाल दे, नहीं तो विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी मेरे अजीज। तो बिल्कुल हो जाएगी, मैं दोहरा ही नहीं है, परमेश्वर जो बोलता करके देखा था। लेकिन परमेश्वर बोलता है वो अपनी इच्छा भी बदल सकता है, क्योंकि हमने निनवे शहर के पढ़ा है, जब निनवे शहर अपने कुकर्म से फिर जाते प्रार्थना करते उपास के साथ, तो परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है मेरे जी। तो परमेश्वर नहीं चाहता कोई नष्ट हो, इसलिए विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है ये, जो 2 तारीख यानी कि 1, 28 और 1 के बाद शुरू हो जाएगा मेरे जी। तो आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें के धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। यशायाह 26 और उसका 5वां पद, यशायाह 26 का 5वां पद कहता है, वह ऊंचे पद वाले को झुका देता, जो नगर ऊंचे पे बसा है वह उसको नीचा कर देता है, वह उसको भूमि भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। यानी कि मेरे जी, जो ऊंचे पद वाले गिरेंगे यानी कि इस युद्ध पे जो अपने आप को बहुत पावर समझते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए इस युद्ध के लिए बहुत बड़ा पैगाम प्रभु ने दिया है मेरे जी। तो और एक वचन मुझे और दिया था जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा था आत्मा के तौर पे, तो प्रभु ने मुझे यजकेल दिया, यजकेल 33:1 से पढ़ूंगा। उसमें ये लिखा है, यजकेल 33, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य संतान अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करा के ठहराए, तब यदि वह ये देख करके इस देश पर तलवार चलने वाली है नरसिंह फूंक कर लोगों को चता दे, तो जो कोई नरसिंह का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी पर पड़ेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे साफ शब्द में, ये यशकेल 33 में लिखा है कि जब प्रभु कोई भविष्यवाणी कहने को कहता और हम नहीं करते तो उसकी सजा हमें मिलती है, लेकिन हम जब हम कर देते हैं तो हम परमेश्वर का कहना मान लेते हैं, उसके बाद सुनना ना सुनना आपकी है मेरे जो। इसलिए जो प्रभु ने मुझसे बोला, मैंने आपसे बोला 28 1 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, हमें फास्टिंग में कहा गया, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुहाई देंगे। योल में लिखा है कि दुहाई दोस्त की, परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। निनवे शहर के भी प्रभु ने क्या करा, अपनी इच्छा बदल दी, जो नष्ट करने के लिए ठाना था वो नहीं करा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु विश्व युद्ध को टाल दे, नहीं तो विश्व युद्ध की शुरुआत 2 तारीख से हो जाएगी मेरे जी। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार मैं तेरे इनके सम्मुख आया हूँ पिता, अपनी इच्छा को तूने प्रकट कर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ पिता परमेश्वर, जितने भी सुनने वाले हैं पिता, आज हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, विश्व युद्ध को टाल दे, इस विश्व को रोक दे पिता। हम दुहाई दे रहे, चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहे पिता, कितने मासूम बच्चे हैं, बड़े छोटे बुजुर्ग हैं पिता, हम मिलकर दुहाई दे रहे पिता कि विश्व को टाल दे पिता, टाल दे पिता परमेश्वर, टाल दे, फिर भी हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हाँ और आमीन, जैसे तू मुझे बताता है मैं वैसे ही बताता हूँ, और जो जो तू बताता है पूरा होता है। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। घुटने टेके प्रार्थना करें, संकट बड़ा है लेकिन परमेश्वर खड़ा है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।